एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं अध्यक्ष महोदय? गोद भराए के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है। 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में, और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं। ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले। इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। भारत माँ के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत माँ के बच्चों के लिए तो बजा दो। 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखे कि 31st यूनिवर्सिटी गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे, लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज जो व्यक्ति यहां पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं। उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण मांगा इस सदन में। लेकिन प्रमाण क्यों मांगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा, और प्रमाण मांगने का क्या सलीका है? ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के। न्यूज क्लिप की आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूं। न्यूज क्लिप नेवल सिंघम कुछ पत्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूज सर्कुलेट होनी चाहिए, कैसे चाइना के समर्थन में अलग अलग आर्टिकल लिखने चाहिए, और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकट्ठा करके फिर काम आगे बढ़ाएगा। मेरे एक पार्लियामेंट्री सहयोगी निशिकांत जी ने इस पर जब विषय उठाया तो मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है, हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है, तो उस पर कार्रवाई करो। ऐसा कांग्रेस का पक्ष नहीं था। कांग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकांत दुबे के मुंह से शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजिए।